फ्रेंड्स, मैं सोनी आपकी ट्रेनर आज आप लोगों के लिए एक न्यू वर्कआउट प्लान लेके आई हूँ। मैंने एक 30 डेज वर्कआउट प्लान स्टार्ट किया है जो आपके वेट लॉस फैट लॉस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप मेरी डेली वीडियो जरूर देखें और अपना वर्कआउट फॉलो करें। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का वर्कआउट करेंगे हम जिम में, मैं अपने जिम में हूँ वहां, तो आज का हम वर्कआउट करेंगे डंबल से। और आप वेट अपने अकॉर्डिंग ले, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 2.5 से स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे उसको 5-7 इस तरह अपना वेट स्टार्ट करते हैं। और आप कम से कम 20 रेपिटेशन लगाएंगे अगर आपके पास लाइट वेट है, और अगर पास हैवी वेट है तो आप 12-15 रेपिटेशन करेंगे। सो आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, आज के हमारे फुल बॉडी वर्कआउट प्लान में हम सबसे पहले लगाएंगे शोल्डर्स। शोल्डर्स के लिए आप लाइट वेट लें, 2.5 का डंबल ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, और अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप अपने जो घर पे पानी की बोतल होती है उनको भर के भी एज अ वेट यूज कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे अनलोड प्रेस। इसके लिए आपने क्या करना है, आप अपने वेट को इस तरह रखेंगे और इस तरह अपने वेट को लिफ्ट करेंगे। ध्यान है जो आपका वेट है वो सीधा जाएगा, ना कि साइड में, हम शोल्डर लगा रहे हैं। तो इस तरह आपने 20 रेपिटेशन करने हैं। और आप जब इस एक्सरसाइज को लगा रहे हैं तो अपने लेग को ना तो बहुत ज्यादा वाइड खोलना है और ना ही बहुत क्लोज रखना है, अपने शोल्डर लेवल पे खोलना जितना आपका शोल्डर लेवल है, और इस तरह आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। अपने इनहेल और एक्सहेल का ध्यान रखें, नॉर्मल पैटर्न रखना है, सांस को नहीं रोकना है, और शोल्डर लेवल के ऊपर तक जाएंगे एंड देन वापिस। और इस तरह आप इस एक्सरसाइज को 20 रेपिटेशन करेंगे। अगर आपके पास हैवी वेट है तो आप 12-15 रेपिटेशन करेंगे और कम से कम 3 सेट करेंगे। फ्रेंड, आज के फुल बॉडी वर्कआउट प्लान में हमारी जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो है बाइसेप्स कर्ल। करना कैसे है, इस तरह आप लाइट वेट से स्टार्ट करेंगे और सीधा खड़े होंगे और अपने एल्बो को इस तरह रोटेट करेंगे। बिल्कुल चिपका के नहीं रखना है जैसे मोस्टली लोग करते हैं, आराम से नॉर्मल पोजिशन में रखें और इस तरह लिफ्ट करना है। Yes. और आप इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 20 बार करें। अगर आपके पास हैवी वेट है तो आप अपने रेपिटेशन कम कर सकते हैं, अगर आपके पास लाइट वेट है तो कम से कम 20 रेपिटेशन करें। और वही सेम पैटर्न, अपना ब्रीथ का ध्यान रखें, सांस नहीं रोकनी है ना ही। मोस्टली लोग इसमें क्या गलती करते हैं, जब आप बाइसेप्स लगा रहे होते हैं ना तो बॉडी मूव करते हैं, आपने ये नहीं करना है। आराम से खड़े रहो और सिर्फ हमने आर्म को लिफ्ट करना है। आइए इस एक्सरसाइज को भी 3 सेट करेंगे और 20 रेपिटेशन करेंगे। सो फ्रेंड, आज के हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है आपकी ट्राइसेप एक्सटेंशन। ये भी आप लाइट वेट से स्टार्ट करें। पहले आपने लाइट वेट से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे आपने हैवी वेट की तरफ जाना है। इधर वो ध्यान से देखें, आप अपने वेट को इस तरफ, जैसे हम ये वेट पकड़ते हैं, इस तरह रोटेट करना है और आपने नीचे की तरफ बेंड करें और इस तरह आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। मोस्टली लोग इसमें क्या करते हैं, अपनी एल्बो को बहुत ज्यादा वाइड कर लेते हैं, बाहर की तरफ करते हैं, बाहर की तरफ नहीं करना है, नॉर्मल पोजिशन में रखें और नीचे तक लेके जाएं और लिफ्ट करें। और आप सबको मैं एक बात और बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, कभी भी किसी को कॉपी मत करो। क्या होता है, मोस्टली जिम में है दूसरों कॉपी करते हैं, अगर वो 10 लगा रहा है तो वो 10 लगाने की कोशिश करता है। आप अपना अपने अकॉर्डिंग वेट लगाएं, लाइट वेट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और इस तरह आप अपने वेट को भी बढ़ाएं। सो फ्रेंड, आज के वर्कआउट में जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो हमारी बैक एक्सरसाइज, वो है हमारी बेंट ओवर। करना कैसे है, आप इस तरह खड़े रहेंगे, दोनों हाथ में डंबल, आगे की तरफ बैंड, डंबल आगे एंड दिस। इसको आप 15-20 बार करेंगे, ये आपकी बैक की एक्सरसाइज है। ध्यान रहे इसमें आप ज्यादातर लोग ये करके लगाते हैं, आगे की तरफ बैंड करना है, नोज की रेंज में देखना है एंड देन आप साइड से पोज देख सकते हो। सो ये थी हमारी बैक एक्सरसाइज। अभी हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी स्क्वाट। स्क्वाट में आपने कैसे करना है, डंबल को आप इस तरह रखेंगे और अपने शोल्डर लेवल से थोड़ा सा बाहर पैर खोलेंगे और डाउन, बैक को टाइट एंड अप। आप स्क्वाट करते हैं, दो बातों का ध्यान रखें,
एक तो अपने बैक को टाइट रखें, राउंड बैक नहीं करनी है, टाइट बैक रखें, और दूसरा आपकी जो नीज है वो आपके टो से आगे ना आ जाए, जैसे हम एक चेयर पे बैठते हैं उस तरह करना है। डंबल यहां रखें एंड अप अप, बैक टाइट एंड अप। इस तरह आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का फुल बॉडी वर्कआउट प्लान। आई होप आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको 5 एक्सरसाइज बताई विद डंबल। आप इनको डंबल के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टार्टिंग में विदाउट वेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास डंबल घर पे नहीं है तो आप अपनी जो पानी की बोतल होती है उसमें पानी भर के एज अ वेट यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।